आपको पता है एक सैलरी एम्प्लॉय मतलब जिसको सैलरी मिल रही है वो एक बिजनेसमैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टैक्स पे करता है। हमें लगता है कि बिजनेसमैन इतना ज्यादा सेल करते हैं, मतलब एक एक दो दो करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं, तो वो कितना टैक्स पे करते होंगे, क्योंकि एक सैलरी एम्प्लॉय जो 10 लाख रुपए भी कमा रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। बट रियलिटी बिल्कुल चेंज है। मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखेंगे ना तो बिजनेसमैन टैक्स ना के बराबर पे करते हैं या करते हैं, मतलब या तो नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत थोड़ा करते हैं, उनके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जबकि अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ जाता है। आपको यूट्यूब पे देखेंगे ना तो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इनफैक्ट एक वीडियो मेरी भी है जिसमें मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया, क्या काफी पुरानी वीडियो है वो, उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है कि अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आई थिंक उसमें मैंने 16 लाख तक की बताया था कि 16 लाख तक की इनकम पे आप बिना टैक्स पे करें कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट उसमें मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो वो पॉसिबल नहीं है। और यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है वो ये भी नहीं बोलते कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वो ऐसे दिखाते हैं वीडियो के अंदर थंबनेल वगैरह में सब चीजों में 16 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, और लोग मिसगाइड हो जाते हैं उससे। ऐसा नहीं है, आपको टैक्स देना है उसके अंदर ना, बट अब मैक्सिमम मैक्सिमम पूरा जितना भी निचोड़ सकते हैं डिडक्शंस को वो निचोड़ के तब करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इतनी डिडक्शंस हमें नहीं मिलती है। तो 10 लाख के ऊपर भी हमारा बहुत टैक्स बन जाता है, इनफैक्ट उससे कम पे भी हमारा टैक्स काफी ज्यादा बन जाता है एक जनरल सेविंग करने के बाद भी। बिजनेसमैन जो आपको लगता है कि इतना कमाते हैं, वो पता है क्या बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके कारण वो टैक्स नहीं पे करते, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी, सो देट आपको पता हो सकता है कि अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे उसमें ज्यादा अर्न करके भी टैक्स ना पे करें। अगर आपका अपना बिजनेस है डेफिनेटली फिर तो पता ही होना चाहिए आपको, क्योंकि टैक्स बचाना और लीगल तरीके से, इलीगली नहीं बात कर रहा हूँ, लीगली बात बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स एडवाइजर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें से स्पेशली लास्ट में एक जो टिप शेयर करने वाला हूँ वो इतनी वीआईपी टिप है कि मतलब कोई शेयर नॉर्मली करेगा ही नहीं आपके साथ। वो एक ट्रिक होती है सीएस के पास, ठीक है। अब जो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ, आप अगर एम्प्लॉय हैं, आपने जो भी कमाया है आपको क्या करना पड़ता है, जितना आपकी सैलरी है उसके ऊपर सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना है। जस्ट आप उसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपनी जो रहती है नॉर्मली, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 80C की, तो वो डिडक्शंस आप क्लेम कर लेते हैं, उसके अलावा थोड़ी सी और जो डिडक्शंस होती हैं वो, मतलब जो आपने कमाया उसके ऊपर टैक्स दे दिया। अब उसके बाद आप जो भी खर्चे कर रहे हो, अपने घर के खर्चे कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चे कर रहे हो, आप कार ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज के कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही है, क्योंकि ये टैक्स खर्चे माइनस करने से पहले ही गवर्नमेंट ने ले लिया, आपकी इनकम के ऊपर ले लिया। बिजनेसमैन के केस पे समझिए कैसे कैसे टैक्स बचाते हैं। बिजनेस अगर है आपका, बिजनेस में जितने खर्चे आपने करे मैक्सिमम एलिजिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉ, आप उसको मतलब इन डेप्थ देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, बट जितने भी खर्चे कर रहे होते हैं उसका डिडक्शन ले लेते हैं। ऑफिस के लिए स्टेशनरी आई खर्चा, प्रॉफिट में जो इनकम हुई थी ना उसमें से माइनस कर दिया, उसमें से आपने कोई खाने पीने का खर्चा किया वो माइनस कर दिया, आपका ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है वो माइनस कर दिया, सारे खर्चे उसमें से तो माइनस हो जाते हैं। इसके अलावा एक बात करूं, कार, आपने कार ली आपके लिए खर्चा है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं और आपको मतलब उसका नुकसान है, कोई फायदा नहीं मिला आपके लिए, एक बर्डन अपना ले लिया कार परचेज करके। बिजनेसमैन कार से पैसा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर कार परचेज करी लेट से 10 लाख की कार परचेज करी, अब हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा। अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है पीएल की तो वहां पे पीएल में वो चला जाएगा डेप्रिसिएशन, और वो क्या होगा, प्रॉफिट को कम कर देगा। अलाउ है, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन को अलाउ करता है, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया मतलब उसके ऊपर टैक्स कम देना है। तो जब आपकी इनकम, आपने कमाए 1 करोड़ रुपए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा, खर्चे भी लगे, इतने रिकॉर्ड करते 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 पता चला कि वो आपके इस स्लैब रेट पे आ गया कि वहां पे तो टैक्स देना ही नहीं था, या देना तो बहुत थोड़ा देना था। तो इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेसेस तो लॉस में शो करके वर्क करते हैं, और लीगल है या इलीगल वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट लीगली मैं आपको जो बता रहा हूँ सब लीगल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली बात क्या आई, बहुत सारे खर्चे जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसिस हैं वो सारे एक्सपेंसिस डिडक्शन में मिल जाते हैं, आपके खर्चे अलाउ हो जाते हैं, तो वो आपकी इनकम में से माइनस होकर फिर जो प्रॉफिट बचा वो आपका टैक्सेबल होगा, जबकि सैलरी वाले एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, जो आपने एसेट्स परचेज करी ना, बिल्डिंग परचेज करी, आपने फर्नीचर परचेज करा, आपने कोई कंप्यूटर परचेज करा, उसका सबका डेप्रिसिएशन मिल जाता है वहां पे। कार का मैंने आपको बताया ये डेप्रिसिएशन मिलता है, हर साल मिलता है जब तक कि उसकी लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन के रेट्स के हिसाब से, तो वो सारा खर्चा भी वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है जबकि वो एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं है,
मतलब एक खर्चा फर्स्ट ईयर में हो गया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया, उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो माइनस हो रहा है, प्रॉफिट कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस, अब क्या होता है ना, लालच को कहते हैं कि टैक्स बचाना बचाना, उसके लिए लालच आने लगता है, वो इस मेथड को भी फॉलो करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। ये लीगल नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करें, बट मैक्सिमम बिजनेस इस चीज को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल खर्चों को भी बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं। बिजनेस में कैसे अपने खर्चों को, अपने लिए कोई मोबाइल लिया उसको शो करा, अपने लिए नहीं कि वो ना मैंने ऑफिस पर्पस के लिए लिया, मतलब अब मोबाइल तो मेरा ही है, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं मेरा ही बिजनेस है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ना मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए, मैं उसको बिजनेस में यूज करता हूँ। अब वहां पे उसका डिडक्शन ले लिया, खर्चा उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा या जो भी है वो वहां पे आ गया। आप कहीं गए थे घूमने फिरने गए, उसको आपने शो कर दिया बिजनेस मीटिंग थी, ये मैं बिजनेस पर्पज से लिए घूमने गया था, टूर पे गए, वर्ल्ड टूर पे गए, वहां पे आपने 4 लाख रुपए लगा दिए, उसको वहां पे शो कर दिया कि ये ना मैं बिजनेस पर्पज से ले गया था, और वहां के खर्चे आपने रिकॉर्ड कर लिए। इस तरीके के पर्सनल एक्सपेंसेस को वहां रिकॉर्ड करके और प्रॉफिट को कम कर लेते हैं, और प्रॉफिट कम होने पे क्या होता है, टैक्स कम होता चला जाता है। इसके अलावा ये तो सिर्फ अभी आधी बात हुई है, असली खेल तो दूसरी तरफ भी बचा हुआ है, ये तो सिर्फ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है, जीएसटी का सारा फायदा ले लेते हैं। क्या कहते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर जीएसटी के बर्डन आते हैं, सैलरी एम्प्लॉय के ऊपर वो तो नहीं आते ना, कम से कम देखो, पहले तो आपने लेट से 1,000 रुपए का सामान बेचा, उसके ऊपर लेट से 18% का आपने डिडक्शन वो चार्ज करा जीएसटी, कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया ना आपने, पहली बात तो क्या, वो कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया, आपका खर्चा नहीं है, वो कस्टमर से लिया, बट फिर भी हम कहते हैं कि चलो अल्टीमेटली कस्टमर हमें पे कर रहा है, हमारा ही हम कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, अगर जीएसटी ना होता आप उस तरह से भी बात करो, जीएसटी चार्ज कर लिया, अब गवर्नमेंट तो कह रही है कि आपने चार्ज करा, कस्टमर से आप लेके मुझे दे दो, गवर्नमेंट सिर्फ इतना कह रही है, तो वो पैसा देखा जाए, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा कभी था ही नहीं कस्टमर से लेके मुझे देना था, बट हुआ क्या, कस्टमर से लिया ना, जैसे मेरी जेब में आया, बस अब आगे देते हुए जोर पड़ने लगता है बिजनेसमैन को, वो कहते हैं बिजनेसमैन कि अरे भाई मैं एक बार जेब में आ गया ना, मेरी जेब से जाना नहीं चाहिए, भले ही ये पैसा मेरा नहीं है, तो कस्टमर गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने लिया था, कैसे भी करके ना इसको बचा लूं, गवर्नमेंट ये बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी खर्चे करे थे बिजनेस के लीगल तरीके से, उनका आईटीसी ले सकते हो, मतलब उनपे जितना जीएसटी करा था ना वो सारा वापिस ले सकते हो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ से उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो, मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हो, अपना जो जीएसटी भी कस्टमर से लिया वो भी काफी सारा आपका जेब में बच गया, लीगली, इलीगली बात नहीं कर रहा हूँ। और जो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसिस को बिजनेस में दिखाया था, ये गलत तरीका है, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, उसकी बिजनेस करते हैं गलत तरीका, तो वो खर्चे भी अभी क्या होगा, उसका जो जीएसटी है वो भी आईटीसी आप उसका क्लेम कर लोगे। तो वो जो खर्चे करे थे, आपने मोबाइल लिया था, आपने लेट से 11,800 का मोबाइल लिया था, अब 11,800 रुपए तो आपने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, वो मोबाइल आपको कितने का पड़ा, 10,000 का, 10,000 भी बिजनेस में ले लिया, तो 10,000 में अभी जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो भी आपको डिडक्शन मिल गई, उसके ऊपर भी टैक्स आपका सेव हो गया, मतलब वो मोबाइल जो आपने लिया था वो बहुत 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 कम अमाउंट का पड़ा, फ्री का नहीं पड़ा, बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, अरे आपने कार ली ना वो आपको फ्री पड़ गई, अरे फ्री की नहीं पड़ी, उसके ऊपर टैक्स कम हुआ, तो 10,000 के ऊपर आपका 30% का स्लैब रेट अगर आता था तो 30% का टैक्स कम हुआ, ऐसा नहीं कि कार ही फ्री की पड़ गई या मोबाइल फ्री का, नहीं, कैलकुलेशन अगर डिटेल में देखोगे वो गलत कैलकुलेशन हो रही है, और एक नहीं पता नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है इस तरीके की वीडियो, वो टैक्स कम हुआ, तो हाँ काफी अमाउंट आपकी फ्री होगी, मैं रफली अगर मैं कहूँ तो शायद 50% तक का आपको फायदा हो गया कि वो मोबाइल आपको 50% की वैल्यू पे पड़ा, तो बिजनेस इसको ये सारा फायदा हो रहा है। और अगर मैं एक सबसे पावरफुल बात बताऊं, जो मैं आपको कह रहा था कि ये ट्रिक नॉर्मली कोई नहीं बताता है किसी के साथ, किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो ये, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में लेट से आपके 5 मेंबर हैं, ठीक है, आप 5 मेंबर को क्या करते हैं बिजनेसेस, उनको एम्प्लॉय शो करते हैं कि वो कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है, अब क्या होगा, उनको सैलरी दे देते हैं, बात समझ में आ रही है, गेम समझो कितना कितना बड़ा गेम है, जो मतलब आपको ये चीज अगर मैं शायद ना बताऊं तो आपको कभी बहुत लंबे टाइम बाद कहीं जाके पता चले, बड़े ध्यान से समझना, इस वीडियो को यहां तक देखने तक मैक्सिमम 50% लोग तो जा चुके होंगे, क्यों अभी उनको ये चीज पता ही नहीं चलेगी, बट अगर आप यहां तक रुके हो तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स है, लेट्स से 5 मेंबर्स है, उनको क्या करा, शो कर दिया कि एम्प्लॉय है इस कंपनी में, क्या है, एम्प्लॉय है,
अब उनको दे दी सैलरी। सैलरी कितनी, लेट से उनको दे दिए, मैं बात करता हूँ कितना हो जाएगा, 5.5 और 1.5, 7 लाख रुपए, हर किसी को 7-7 लाख रुपए दे दिए। 5×7=35, 35 लाख रुपीज। कंपनी का क्या हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। कंपनी का क्या हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया 35 लाख रुपए से, तो 1 करोड़ में से 35 लाख तो यही कम हो गया, उसके ऊपर तो टैक्स ही नहीं देना क्योंकि वो तो खर्चा हो गया। अब क्या हुआ, 7 लाख रुपए उन 5 मेंबर के पास गए, खेल समझना, उन 5 मेंबर के पास गए। वो 5 मेंबर अब क्या करेंगे, 7 लाख आए, 1.5 लाख की ATC में डिडक्शन क्लेम कर ली, टैक्स सेविंग कर ली, अपना FD कर ली, LIC कर ली, वॉट एवर। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे, तो बाद में थोड़ा सा चेंज आता है, तो आपने अगर इनकम टैक्स पढ़ा होगा, कोर्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप अपडेट्स देख लेना, मैं इस वीडियो को चेंज नहीं करूंगा उसके हिसाब से। तो 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर ली, बस में सैलरी आ गई, इनकम आ गई 5 लाख, 5 लाख के ऊपर तो टैक्स ही नहीं देना, मतलब उन्होंने तो कोई टैक्स दिया ही नहीं। 35 लाख 5 जनों में बढ़ गए, उनको टैक्स नहीं देना पड़ा, और बिजनेस ने 35 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली। और अगर फैमिली मेंबर ज्यादा है आपके पास, ज्यादा पॉपुलेशन है घर में, तो ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं बिजनेस इस चीज का। तो बिजनेसेस ऐसे, अब मैं ये नहीं कहूंगा ये सही है या गलत है, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर रियलिटी में ऐसी चीज है तो करना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कहीं गलत कर रहे हो, बट बिजनेसेस करते हैं। तो अब एक चीज समझो, 1 करोड़ की इनकम में से 35 लाख तो सीधा सीधा यही खत्म हो गया। और इसमें से एक चीज समझना, बिजनेस के पास से कुछ नहीं गया, पैसा सारा बिजनेस, अगर लेट से मेरा बिजनेस है तो क्या सारा पैसा मेरे पास ही बच गया ना, तो जिसका बिजनेस है बिजनेसमैन के पास ही सारा पैसा है, अभी कुछ नहीं। बट 35 लाख की डिडक्शन तो सीधी सीधी ही ले ली, कार ली, मोबाइल लिया, जो घर के लिए खर्चे लिए, 5 जनों ने इतने खर्चे करे, उसका डिडक्शन वहां पे बिजनेस में शो करके ITC भी क्लेम कर लिया, उसका खर्चे भी रिकॉर्ड कर लिए, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, बिजनेसिस के जो खर्चे थे वो बिजनेस के खर्चे वहां पर रिकॉर्ड कर दिए। अब आपको क्या लगता है कितना ही टैक्स देना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज जो आप बात करते हो ना, इनकम टैक्स कैसे बचाया जाता है, वो चीजें ये होती हैं, ये चीजें मैटर करती हैं जो कि कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। तो सिर्फ ऐसे ही समझ लेने से बात नहीं होती, और ये ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस समझ में आती है। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ ना, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे आप सीखते जाओगे ना, तो और अच्छे से आपके साथ ये चीजें सीखने को मिलती जाएंगी, और धीरे धीरे नई नई ट्रिक्स आपको पता चलती है, अच्छा बिजनेसेस ऐसे करते हैं, सही है गलत है, कौन क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय फंसे रह जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनकी सैलरी इतनी है, मतलब अगर CTC की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं CTC कितना, मेरा ना 12 लाख का CTC है, 15 लाख का CTC है। अच्छा भाई, इन हैंड कितना आता है, मतलब टैक्स वगैरह खत्म करके 15 लाख का CTC है, कितना आता है यार, 11 लाख ही बच पाते हैं, पता नहीं क्या क्या कंपनी डिडक्ट कर लेती है, उसमें से फिर टैक्स भी चला जाता है, वो भी TDS डिडक्ट कर लेती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, 10-11 लाख आते, कहने को 15 लाख, हाथ में आए 10-11 लाख, और बिजनेसमैन क्या कहते हैं, भाई लॉस में चल रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है, देखो मेरी ITR देखो, इसमें 5-6 लाख की इनकम है, अब सैलरी एम्प्लॉय को देखो, मेरे पास एम्प्लॉयज रख रखे हैं, उनको मैं 10-10, 15-15 लाख रुपये पे कर रहा हूँ, वो मुझसे बेटर है, बिजनेस रन करना मुश्किल है, और कहाँ, टैक्स सेव करने से पहले ही सारा पैसा घर पे है। तो ये सारी चीजें मैनेज होना बिजनेस के अंदर मैटर करती हैं, और यही सब चीजें हैं जो एक बिजनेस को और एक एडवाइजर को फर्क डालती हैं। अब एक फिर मैं डिस्क्लेमर करूंगा, मैंने आपके साथ शेयर्स करी हैं कि होता क्या क्या है मार्केट में, सही या गलत डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मेरी एडवाइस ये रहती है कि ऑनेस्ट चीज तो यही है कि अगर आप ऑनेस्टली बिजनेस कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, तो जब आपके पास एम्प्लॉय है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स, तो उनको शो करो, अदरवाइज वो टैक्स चोरी है गलत तरीके से, ठीक है गवर्नमेंट उसको डिटेक्ट नॉर्मली नहीं कर पाती है या नहीं करती है, बट थोड़ा सा गलत चीज़ ये है, पर्सनल खर्चों को बिजनेस में दिखाना, ये सब चीज़ें, बट सब कर ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अगर आप फर्दर और भी चीज़ें आपको लगता है, तो कोर्स देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ तक आए हो तो मतलब या तो कोर्स ऑलरेडी कर रहे थे या इंटरेस्टेड है, तो प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, आपको दुनिया भर का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर ऐप डाउनलोड करते हो, तो उसके अंदर तो ऑर्गेनाइज तरीके से आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा, फ्री एंड पेड सब कुछ है, फ्री मतलब 1 रुपी से स्टार्ट है, ठीक है, बाय बाय।